वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यात्री सुविधा में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाएं। दोस्तों, ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी हेल्प ली जा सके। इसमें दूसरा ऑप्शन है, यदि आप गर्भवती महिला हैं और कोटे के अंतर्गत बर्थ आरक्षित कराना चाहते हैं तो बॉक्स में सही का निशान लगाएं, या आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन कंसेशन चाहते हैं या रियायत चाहते हैं वो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे ने एक करंट में ऑप्शन निकाला है, इसमें सीनियर सिटीजन अपने कंसेशन को छोड़ भी सकते हैं, जो कि दो फॉर्म्स में अवेलेबल है यहाँ पर, 50% या 100%। जो सीनियर सिटीजन रियायत नहीं चाहते हैं वो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं। दोस्तों, रेलवे की एक पॉलिसी है जिसमें जो आपने टिकट परचेज कर रखा है सेम किराए पर वो आपकी टिकट को अपग्रेड कर देते हैं, मतलब दूसरी ट्रैवलिंग क्लास में अपग्रेड कर देते हैं। इसमें दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप विकल्प योजना के तहत वैकल्पिक रेलगाड़ी में अपना टिकट शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो बॉक्स में हाँ या नहीं लिखें। दोस्तों, विकल्प योजना एक ऐसी योजना है जिसमें जो पैसेंजर्स वेटिंग टिकट जिन्होंने परचेस किया होता है उसमें रेलवे आपको सेम रूट पर दूसरी ट्रेन में टिकट अवेलेबल करवा देता है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की थर्ड क्लास एसी में या दुरंतो एक्सप्रेस की स्लीपर में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो क्या आपको बेड रोल चाहिए। दोस्तों, इसमें जो बेड रोल की सर्विस होती है वो पेड सर्विस है, इसको यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं हाँ या नहीं में। इसमें नीचे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा है गाड़ी संख्या और नाम, इसमें आपको ट्रेन का नंबर और उसका नाम फिल कर देना है, जैसे मैंने इसमें ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम फिल कर रखा है। इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है यात्रा की तारीख, जिस डेट को आप ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी का, मीन्स ट्रैवलिंग क्लास, जैसे मुझे स्लीपर क्लास का टिकट चाहिए तो मैंने यहाँ पर स्लीपर क्लास फिल कर रखा है। इसके आप राइट साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है सीटों की संख्या, मुझे एक सीट चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक फिल कर रखा है। इसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे मैं नई दिल्ली से लखनऊ जाना चाहता हूँ तो मैंने इसमें लिख रखा है नई दिल्ली से लखनऊ। और इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, जैसे मैं नई दिल्ली से लखनऊ जाना चाहता हूँ तो इसमें सेम डिटेल नई दिल्ली से लखनऊ मैंने फिल कर दिया है। इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना चाहिए जो आपके साथ रहे ट्रैवलिंग में, ताकि आपको इसमें मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके नीचे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें आपको डिटेल्स भरनी है पैसेंजर्स की, जैसे मैंने इसमें फिल कर रखा है। सबसे पहले इसमें आपको नाम फिल करना है, इसके बाद राष्ट्रीयता जो कि भारतीय है इसमें आपको फिल कर देना है, इसके बाद जेंडर, जैसे मैंने मेल के लिए एम लिख रखा है, और आपको इसमें एज को फिल कर देना है। इसी तरह आपको कोई सीट का ऑप्शन चाहिए तो आप इसमें सीट का ऑप्शन भी फिल कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने लोअर बर्थ फिल कर रखा है, मुझे नीचे की सीट चाहिए इसलिए मैंने लोअर बर्थ फिल कर रखा है। तो इसी तरीके से आप अन्य पैसेंजर्स की डिटेल को भी फिल कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं होते हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। इसके नीचे दिया हुआ है आगे की या वापसी यात्रा का विवरण, अगर आप रिटर्न जर्नी करना चाहते हैं, वापसी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट है नीचे लिखा हुआ है, जैसे आवेदक का नाम, जो टिकट परचेस करने जा रहा है पैसेंजर उसकी यहाँ पर डिटेल आएगी, उसका यहाँ पर नेम फिल करना है, और पूरा एड्रेस। इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वो बहुत सैंपल दिया हुआ है एक तरह से,
आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, आपको वही एड्रेस फिल करना है जो आपकी आईडी पर हो। इसके बाद आप आधार नंबर भी दे सकते हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शनल है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर यात्रा की तारीख और समय फिल करना है। इसके बाद आपको जस्ट सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है केवल सरकारी प्रयोग के लिए। इसका मतलब है कि आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है, इसमें रेलवे फिल करेगा जो भी आपको फिल करना होगा। इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है जिसको आपको पढ़ना है टिकट बुक कराने से पहले। तो इस तरह से आप इस रिजर्वेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने जाना कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।